1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत सारी गलतियों और खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था, और इस अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर जो शांति थी और जो शासन था उसके पुनर्गठन हेतु हमें एक अच्छे गवर्नर जनरल की डिमांड थी। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में बुलाया गया, भारत में गवर्नर जनरल बने। कॉर्नवालिस एक अच्छे वंश के और एक कुलीन वृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने भारतीय प्रशासन में बहुत सारे सुधार किए, और ये सुधारों का काल जो है वर्तमान में भी हमें आज की व्यवस्था में भी दिखाई देता है। अगर बात की जाए कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए सुधारों की, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायिक सुधारों की। बात करें अगर तो कॉर्नवालिस ने जो न्यायिक व्यवस्था थी उसमें 1786 में जिले का जो प्रभारी था वो किसको बना दिया, कलेक्टर को बना दिया, और कलेक्टर को दीवानी अदालत के जितने भी दीवानी न्यायाधीश के जो कानून होते हैं या जो अधिकार होते हैं वो दे दिए गए। तो कुल मिला के कलेक्टर को दीवानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अगली बात करें तो 1790 में 1790 से 92 के मध्य में जो भारतीय न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की थी इन्होंने फौजदारी अदालतों में, उनको समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर इन्होंने क्या करा, 4 भ्रमण करने वाले अलग अलग प्रकार की अदालतों का गठन कर दिया, जिसमें से 3 अदालतें तो बंगाल में थी और एक बिहार हेतु नियुक्त की गई थी। इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया जिसे कहते हैं कानून की विशिष्टता। भारत में पहले दिखाई नहीं देती है कानून की विशिष्टता, तो कानून की विशिष्टता के ऊपर इन्होंने जोर दिया। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण कराया। यह शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस ने इस संहिता के माध्यम से कलेक्टरों को न्यायिक एवं फौजदारी जो शक्तियाँ थी वो उनसे छीन ली, और इनको केवल कर कलेक्ट करने की शक्ति दे दी। और यही प्रकार की जो चीज़ें हैं वर्तमान में भी दिखाई देती हैं कि हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं इनके पास में फौजदारी मुकदमे लड़ने का जो काम था वो नहीं रह गया है, केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम रह गया। उसने जो वकालत का पेशा था, जो कॉर्नवालिस था, इसने वकालत के पेशे को जो एक नियमित पेशे के रूप में भी बनाया। अगर 1790 से 1793 के मध्य की बात करें तो कॉर्नवालिस ने फौजदारी कानून में बहुत सारे परिवर्तन किए। अंग्रेजी संसद ने भी यही करा कि 1797 आते आते जो कॉर्नवालिस ने परिवर्तन किए थे इसको अधिनियम के माध्यम से प्रमाणित भी कर दिया। इन सुधारों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हत्या के मामले में पहले जो है भावना पर बल नहीं दिया जाता था, परंतु कॉर्नवालिस ने हत्या के पीछे की भावना पर बल देने की बात कही। इससे पहले अस्त्र और उसके ढंग पर ही बल दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात करें तो मृत्यु के मृतक के जो अभिभावक थे उनकी इच्छा के अनुसार क्या कर देते थे कि रक्त मूल्य निर्धारित करके या फिर अंग विक्षेप करके या कुछ प्रकार की चीज़ें करके सजा को माफ़ कर देते थे। तो इसने उन सभी के स्थान पर कड़ी सजा की प्रावधान किया। इस प्रकार 1793 में यह निश्चित किया गया कि जो साक्षी है उसके धर्म विशेष के मामले में कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले होता था हिंदू है या मुस्लिम है, इस आधार पर उनके ऊपर केस में नरमी बरती जाती थी या उन पर कठोरता बरती जाती थी। तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल हटा दिया, अपराधी मीन्स अपराधी। अब बात करते हैं पुलिस सुधारों की। तो कॉर्नवालिस ने कंपनी के अधिकारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि कर दी, और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों को जो जमींदारों के अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया, क्योंकि पुलिस वालों के पास पहले जमींदारी के अधिकार भी थे, तो जमींदारी छीन ली, सैलरी बढ़ा दी कि आप सैलरी बेस पे काम करो, आपको टैक्स या दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी मजिस्ट्रेटों को जिला पुलिस का जो भार था वो दे दिया कि आप जो पुलिस विभाग है वो आपके अंडर में रहेगा, और जिलों को जो इन्होंने एक निश्चित दायरा बनाया कि 400 वर्ग मील के अंतर्गत जो जिला है उसका क्षेत्र विभाजित होगा, और इस क्षेत्र के अंदर जो इसका प्रभारी होगा या पुलिस थाने का जो प्रभारी होगा उसको दरोगा कहेंगे, तो दरोगा के प्रभार में जिले को दे दिया गया। कॉर्नवालिस को कुल मिला के पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। बात करते हैं प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत। तो कंपनी में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत जितने भी हमारे कर्मचारी थे उनके वेतन में इन्होंने वृद्धि करी, और व्यक्तिगत व्यापार जितने भी थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को कुल मिला के यूरोपीकरण करने की कोशिश की, और भारतीयों के लिए सेना में कुछ पद जो थे उनको डिसाइड कर दिया, जैसे सूबेदार हो गए, जमींदार हो गए, और अगर प्रशासनिक सेवा की बात करें तो मुंसिफ हो गया, सदर हो गया, अमीन हो गया, अमीन आज की तारीख में हम कहते हैं डेप्यूटी कलेक्टर को, तो इससे ऊपर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। भूमि सुधार के संबंध में कॉर्नवालिस ने सबसे पहले
ये तय किया कि हमें कितनी प्रकार का कर लेना है या किस समय तक के लिए लेना है, तो कुछ प्रश्न थे इनके सामने। तो उनका निर्णय करने के लिए कानवालिस ने सर जानशोर के सहयोग से एक व्यवस्था बनाई और इसको अंतिम रूप में जमींदारी व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। और यहाँ पर जेम्स ग्रांट साहब ने कानवालिस तथा जानशोर के विचारों का विरोध करते हुए जमींदारों को केवल भूमि के संग्रहकर्ता ही माना था, और यहाँ पर कानवालिस ने क्या मान लिया, भूमि का स्वामी मान लिया। तो संग्रहकर्ता स्वामी के बीच में कुछ विवाद हुआ था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कर का स्वरूप क्या था। तो 1790 में 10 वर्षों की व्यवस्था की गई और इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया, जानशोर की व्यवस्था। इसके बाद अगर बात करें तो व्यवस्थाओं को 1793 में स्थायी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ पर होता ये था कि ज़मींदार जो टैक्स वसूल करते थे या भू राजस्व वसूल करते थे, उसका 8/9 भाग, लगभग 88% भाग जो है कंपनी के पास जाता था, और उसका लगभग 11% भाग, मतलब 1/9% जो भाग है, वो जमींदार अपने पास अपनी सेवाओं के उपयोग करने के लिए रख लेते थे। इस व्यवस्था के अनेक दोष सामने आए बाद में, और धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह इसके हित में नहीं गई और धीरे धीरे इसका उत्पीड़न शोषण वाला काम बढ़ गया। और यहाँ पर क्या करा कि इस बंदोबस्त व्यवस्था को भी बंद कर दिया जाएगा बाद में। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर करों की संख्या कितनी रही होगी। तो कुल मिला के 36 प्रकार के कर लिए जाते थे, तो कार्नवालिस ने इन करों की संख्याओं को घटाया और एक कर को दूसरे कर में मर्ज करते हुए लगभग 23 प्रकार के करों की व्यवस्था की। तो पुरानी राजस्व समितियों का नाम बदल के भी इसने राजस्व बोर्ड कर दिया गया। कार्नवालिस ने व्यापार के जो सदस्य थे उनकी संख्या घटाकर 11 से 5 कर दी, और ठेकेदारों के स्थानों पर गुमाश्ता या व्यापारिक प्रतिनिधियों को माल देने की व्यवस्था इसने स्टार्ट करी। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कार्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कार्नवालिस के बाद हमारे पास आएंगे सर जानशोर। सर जानशोर के समय में ब्रिटिश संसद में 1793 का चार्टर्ड एक्ट पास किया गया था। इसी के काल में निज़ाम और मराठों के बीच में 1795 में खुदरा का युद्ध लड़ा गया था।